हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पोटलाइट गुरुजी में। दोस्तों आज मेरे पास है वीवो Y17 का ये रिटेल बॉक्स, तो करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं क्या है बॉक्स कंटेंट, कैसा है ये फोन, क्या है इसके कुछ खासियत और मेरी क्या ओपिनियन है इसी वीवो Y17 के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों ये है वीवो Y17 का बॉक्स, जहां बड़े अक्षरों में फ्रंट पर ही Y17 लिखा है और पीछे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां इसके चार फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं, जो कि इसका पावरफुल बैटरी, ट्रिपल AI ट्रिपल कैमरा, 12 इंजन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड 20 मेगापिक्सल का आपका इसका सेल्फी कैमरा। और इसे फटाफट से मैं इसे बॉक्स को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों ये बॉक्स हमारा खुल चुका है। अनबॉक्स जैसे ही खुलता है, ऊपर एक सेक्शन है जिसके भीतर अगर मैं बात करूँ तो कुछ पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स जो नॉर्मली फ़ोन्स के डब्बे में मिलते हैं, एंड देन एक TPU केस फ़ोन के प्रोटेक्शन के लिए, और कुछ नहीं है इस पर, इसको भी हम साइड पर रख देते हैं। उसके नीचे है हमारा वीवो का Y17 और फ़ोन फर्स्ट टाइम मैं फील कर पा रहा हूँ, काफ़ी हैवी है। इसे मैं बूट कर देता हूँ फटाफट और इसे हम साइड पे रख देते हैं। देन है नीचे IMEI स्टिकर्स एंड इसके पीछे है दोस्तों सिम इजेक्टर पिन, और उसके बाद दोस्तों बॉक्स पर है एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया बॉक्स पर। ये अच्छी की है वीवो ने कि फास्ट चार्जर बॉक्स पे दिया है। और यहाँ पर माइक्रो USB टू USB केबल एंड यहाँ पर हेडफोन जो है दोस्तों, फ़ोन के साथ हेडफोन है, वीवो का अपना हेडफोन बॉक्स पर दिया गया है। यही कुछ था बॉक्स कंटेंट। दोस्तों बात करते हैं फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की, तो ये है दोस्तों 6.35 इंच का एक HD+ डिस्प्ले, जो कि 19:3:9 रेशियो का डिस्प्ले है। एंड ऊपर साइड ही है दोस्तों 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एंड राइट साइड पर पावर अनलॉक बटन एंड वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर बिल्कुल क्लीन है। लेफ्ट साइड पे सिम इजेक्टर ट्रे है। बॉटम नीचे देखेंगे तो यहाँ 3.5 ऑडियो जैक, माइक्रोफोन, माइक्रो USB पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। बैक साइड पे दोस्तों अपने ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसके नीचे है LED फ्लैश और लिखा है AI ट्रिपल कैमरा। जहाँ पर कैमरा की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर तीन कैमरा है, जो कि 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, देन 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड दोस्तों 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, जो कि आपको पोर्ट्रेट फोटोज़ के लिए जरूरत पड़ेगा। नीचे वीवो की ब्रांडिंग और दोस्तों बैक साइड पर ही है फिंगरप्रिंट स्कैनर। इस फोन में लगा है MediaTek का Helio P35 का प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एंड क्लॉक स्पीड 2.3 GHz पे है दोस्तों। जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच है दोस्तों वो 5 जुलाई 2019 का है। एंड दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये आता है अपने फन टच OS 9 वर्जन के साथ, जो कि एंड्रॉइड पाई पर ही बेस्ड है। चीज बहुत ही मुझे अच्छी लगी वो इसका सेल्फी, जो कि 20 मेगापिक्सल का सेल्फी है, एंड देन 5000 मेगाहर्ट्ज़ का पावरफुल बैटरी, जो कि सपोर्ट करता है 12 इंजन फास्ट चार्जिंग को, एंड इनफैक्ट बॉक्स पर भी यहाँ पर फास्ट चार्जर भी दे रखा है, ये भी कुछ अच्छा है। एंड स्टोरेज के मामले में तो दोस्तों इसका जवाब नहीं, काफ़ी लंबा स्टोरेज दिया है, आप काफ़ी ऐप इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्राफिक्स की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर पावर VR का GPU दिया गया है। ऑलमोस्ट ग्राफिक्स के मामले में कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ही है। जब आप इस पर गेम खेलेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। दोस्तों स्क्रीन पर जो अभी आप ये फोटोज़ देख रहे हैं, मैंने इसी फ़ोन के कैमरे से ली है, एंड आप जहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके फ्रंट कैमरा से भी जो फ़ोटोज़ ली हैं काफ़ी क्लियर उठी हैं। जहाँ तक आपको पता है कि इस रात के कंडीशन में जहाँ पर मैं वीडियो शूट करता हूँ, जहाँ लाइटनिंग कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं है, फिर भी ये दोस्तों काफ़ी अच्छी फ़ोटो खींच पाया है, जस्ट बिकॉज इसका जो 20 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाया है। तो पिक्चर क्वालिटी के मामले में दोस्तों इसका वाकई बहुत ही अच्छा है मेरे को लगा है। इस पर 2-3-4 चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो कि इसका 12 इंजन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, पावरफुल बैटरी एंड ऑलमोस्ट इसका एक अच्छा सेल्फी कैमरा। तक बात अच्छाई की हो तो बात इस पर कुछ खामियां भी मेरे को लगी हैं, जो कि इसका आप कह लीजिए डिस्प्ले, जो कि एक HD+ डिस्प्ले है। ऑलमोस्ट इस प्राइस, जिस प्राइस रेंज पर ये फ़ोन है आता है, इस प्राइस पर फुल HD डिस्प्ले मिल जा सकता था।
तो यहाँ पर वीवो ने प्राइस को बढ़ाया भी है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। पर डिस्प्ले ऐसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, ऐसे पता चल नहीं सकता आपको। जब आप वीडियो प्लेबैक करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा ये 720p डिस्प्ले है दोस्तों। इसका फेस अनलॉक एंड आपका फिंगरप्रिंट अनलॉक भी देख लीजिए कि वाकई फास्ट है, जैसा आपको दिख रहा होगा कैमरे में। ये मैंने टच किया, देखिए खुल गया। अब फेस अनलॉक को भी देख सकते हैं कि मैंने एक बार देखा और ये खुल गया, बिल्कुल फास्ट है दोस्तों, इम्प्रेसिव, कोई मुझे डाउट नहीं है। हाँ, बस एक दो चीज़ की खामी जो लगी मैंने आपको बता दिया। वैसे ये फ़ोन बिल्कुल सही है क्योंकि प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है, AI ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। एंड दोस्तों इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है फ्रंट टच OS 9 वर्जन के साथ, जो कि एंड्रॉयड पाई पे बेस्ड है। एंड स्टोरेज जो है दोस्तों कमाल है, वो 128 GB है, तो आप काफ़ी ज़्यादा ऐप इस पर स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी स्मूथली रन होगा ऐप्स दोस्तों, क्योंकि खोलने में आपको वक्त नहीं लगेगा ऐप्स को दोस्तों। इसका जो एक ही वेरिएंट लॉन्च है जो कि 4 एंड 128 GB, एंड कलर जो है वो ब्लू एंड पर्पल कलर पर अवेलेबल है। वेल दोस्तों, अगर आपको ये फ़ोन अच्छा लगा हो या मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, या आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँ, कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखना है, तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, मैं इसी तरह आपके लिए कंटेंट बनाता रहूं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर, तब तक अपना ख्याल रखिए और यूट्यूब पर इसी तरह वीडियो देखिए, इंटरटेन हुई है।